हेलो गाइस, मेरा नाम विकास और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यादव गेमर। तो गाइस आज हम आ गए नए वीडियो के साथ। तो गाइस मैंने जैसे ही गेम चालू किया तो गाइस मेरे को दिखा कि पोकर रिटर्न आ गई है। तो गाइस मेरा रिएक्शन कुछ इस टाइप था, किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। गाइस एक किडनी एक आंख हम तो पहले ही बेच चुके थे क्योंकि मैंने पीली वाली पोकर पहले निकाल लिए। तो गाइस यहां पे इस वीडियो का मेरा मकसद बस यही है कि जो मैंने पहले निकाला था पोकर, मैंने इस वीडियो को आखिरी दिन निकाला था, सेकंड लास्ट दिन, इसके लिए मैं इस वीडियो को पहले नहीं डाल पाया था। लेकिन गाइस इस बार पोकर आई है तो मैं इस वीडियो को डालूंगा। और गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहले मैं निकाला था कम से कम 10 महीने पहले, तो मेरे को कितने डायमंड लगे थे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मेरे ये पहले का वीडियो मैंने इसको एक्सपोर्ट करके रखा था, तो हम 180 का यहाँ पे स्पिन करेंगे। तो 180 की स्पिन के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट स्पिन 180 का, तो देखते हैं कि ना हमको यहाँ पे गरीना वाला क्या देता है। तो फर्स्ट स्पिन में दे दे भाई, ब्लूप्रिंट दे दे भाई। कुत्ता हूँ क्या भाई? फिर बेट फुट भाई, कुत्ता समझ के रख लिया भाई गरीना वाले ने। भाई भाई यहाँ पे फर्स्ट स्पिन 180 का 2 बार पेट फूट दिया भाई, यानी कुत्ते ही समझ लिया भाई गरीना वाले ने। तो भाई भाई सेकंड स्पिन 180 का करेंगे और, तो यहाँ पे इस बार देता कि देखते हैं भाई। दे दे गरीना भाई, दे दे भाई। नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया भाई, 2 बार फार्मस से यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से गन का बॉक्स स्किन भाई, इस बार भी नहीं दिया भाई। क्या बेइज्जती है भाई, बहुत बेइज्जती कर रहा है भाई गरीना वाला भाई। इस बार दे दे भाई, इस बार दे दे भाई, दे दे इस बार। ओ भाई यहाँ पे फाइनली यहाँ पर मेरा रिएक्शन कुछ इस टाइप है। इतनी खुशी। तो गाइस यहाँ पे फाइनली एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है हमारे को। तो गाइस हमें फिर हम 80 का करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि हमको इस बार गरीना देता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे दे दे भाई, दे दे भाई गरीना वाला, दे दे भाई। नहीं दे रहा है भाई, नहीं दे रहा है भाई, यहाँ पे इस बार भी नहीं दे रहा है भाई। यहाँ पे 900 डायमंड बचा है हमारे पास बस। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस ये पहले की वीडियो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 10 महीने पहले मैंने इस पोकर को निकाल लिया था। लेकिन गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने का मकसद बस यही है कि यहाँ पे मेरे को कितने डायमंड खर्चा हुए थे। बस आप कैलकुलेटिंग करिए और यहाँ पे बस अपने जो कैलकुलेटर है उसमें करिए कि मैंने कितने डायमंड वेस्ट किया। इस बार दूसरा ट्रिक, हम इस बार ईवी के साथ जाएंगे। तो ईवी यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो ईवी मैडम है तो इस बार यहाँ पे क्या है, वो गरीबों की माता है। तो यहाँ पे इस बार हम ईवी के साथ जा रहे हैं। तो ईवी के साथ यहाँ पे देखते हैं कि हमको देता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे दे दे भाई, भाई ईवी के साथ भी हम गए तो भाई यानी कुछ भी नहीं हुआ भाई। भाई फिर भी हम ईवी के साथ एक और राउंड जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस बार देता है कि नहीं। यहाँ पे ब्लूप्रिंट दे दे भाई, ब्लूप्रिंट दे दे भाई। स्टोन तो 5 रखा हुआ है मेरे पास पहले से भाई। दे दे गरीना, दे दे भाई। यहाँ पे तो कुत्ता ही समझ के रख लिया भाई, पेट फूट ही दे रहा है भाई। भाई मैं कुत्ता नहीं हूँ भाई, मैं इंसान हूँ भाई, फ्री फायर खेलता हूँ मैं भाई। दे दे भाई ब्लूप्रिंट, दे दे गरीना, गरीना दे दे, दे दे गरीना। नहीं दिया भाई, बहुत डायमंड खाने वाला है भाई इस बार भी भाई। यदि कोई भी निकालेगा तो गाइस, यदि आप मेरे से मिडिल क्लास वाले हो तो गाइस मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मत निकालो यार। और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि MP40 कोपरा आई थी, यदि वैसी आती तो आप जरूर निकालो क्योंकि वो परफेक्ट यहाँ पे एकदम रहता है कि वो 1000 डायमंड में निकलेगी। लेकिन गाइस ऐसी जो गन है तो इसमें यहाँ पे निश्चित नहीं रहता कि आपका कितना डायमंड जाने वाले हैं। आपके 3000 डायमंड जा सकते हैं, आपके 4000 डायमंड जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे 4000 डायमंड कितने रुपये का होगा आप कैलकुलेटिंग कर लीजिए, आप समझदार हो। तो यहाँ पे भाई दे दे भाई, कुत्ता ही समझ लिया भाई गरीना वाले ने तो, कि यादव गेमर कुत्ता भाई। मारो मुझे, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है भाई। यहाँ पे 1800 डायमंड खर्चा करने के बाद गाइस हम फिर से यहाँ पे रिचार्ज करने के बाद हम फिर से पहुँचेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए थोड़ा चले जाते हैं। तो हमारे पास जो डायमंड है, जो 1800 डायमंड खर्चा हो गया, तो 1800 डायमंड में भी हमारे को ओनली बस ओनली 1 ब्लूप्रिंट दिया गाइस, ओनली 1 ब्लूप्रिंट। तो गाइस यहाँ पे टॉप अप करने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न आ गए। तो हम गाइस यहाँ पे टॉप अप करने के बाद रिटर्न आते हैं
और फिर गाइस यहाँ पे हमको देता है कि देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये जो वीडियो है इसको मैंने सेकंड दिन शूट किया ना, मैं जैसे आपको पहले ही बोला था कि सेकंड लास्ट है यहाँ पे, यानी 30 और 31 डेज यानी 30 दिन का रहता था। तो यहाँ पे मैंने इसको आखिरी दिन किया शूट, इसके लिए वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट दिया था, तो 126 यानी 30% का डिस्काउंट था उस समय। तो यहाँ पे मैंने आखिरी दिन निकाला था पोकर को। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे कि अभी तक तो आपने कैलकुलेट कर ही लिए मेरे 1800 डायमंड और प्लस अभी यहाँ पे जो 350 के करीब, फिर भी यहाँ एक बोल दिया, 5 थे मेरे पास, अब 2 हो गए, 123 डायमंड बचे हुए मेरे पास, देता है कि नहीं। अब 28 चलेगा, 28 गाइस यहाँ पे एक एक स्पिन मारते हैं, तो करीना दे दे भाई, भाई कुछ भी करो नहीं देगा करीना वाला भाई। यहाँ पे बस क्या सिंपल बॉक्स देता है भाई, क्या करूँगा मैं बॉक्स को, ऐसे बहुत सारे रखे हुए मेरे घर में मेरे पास भाई, दे दे यार। ओ भाई यहाँ पे फाइनली एक आलू दिया, लेकिन गाइस मैं आलू को क्या करूँगा यार, सब्जी नहीं बनाना है मेरे को भाई, 8 आलू हो गए हैं और एक ब्लू प्रिंट है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे पास आलू था 8 हैं, और इस बार फिर हम फिर से टॉप करने के बाद हम फिर से आ गए हैं। तो गाइस अब बस आप कैलकुलेट करिए कि मैंने उस टाइम कितने डायमंड खर्चा किया। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि किडनी और आग बेचना पड़ेगा गाइस पोकर को निकालने के लिए हम जैसे मिडिल क्लास वाले के लिए तो गाइस यहाँ पे गरीना वाला पूरा किडनी और आग बिचवा कर ही रहेगा भाई, जो घर में जो कुछ भी सामान है। ओ भाई यहाँ पे मैं बोल ही रहा था, और एक ब्लूप्रिंट गाइस हमको मिल चुका है। ओ भाई तो फाइनली गाइस यहाँ पे 2 ब्लूप्रिंट हो चुके हैं हमारे पास, और यहाँ पे अभी 69 डायमंड हमारे पास फिर बचा है। तो टॉपअप के लिए बोल रहे हैं, टॉप के लिए जाएंगे हम, पर थोड़ा 28 का स्पिन मारने के बाद इस बार यदि शायद गरीना थोड़ा सा बैक कर दे और दे दे थोड़ा सा यहाँ पर, कि इस बार भी नहीं दिया पेट फूट भाई, कुत्ता समझ के रख लिया भाई गरीना ने भाई, बस पेट फूट ही देता है भाई, कितना पेट फूट दिया है उसने, इस बार भी पेट फूट दिया भाई। ओ भाई यहाँ पे भाई मेरे पास बहुत सारे पेट हैं यार, तो पेट को मैं कितने खाना खिलाऊंगा भाई। यहाँ पे फिर से हम 80 का टॉप अप करने के बाद फिर लौटे हम, तो यहाँ पे गाइस इस बार दे दे गरीना, यहाँ पे इस बार भी 28 का ही मारेंगे हम भाई, बेच दिया था भाई, दे दे यार भाई, भाई दे दे भाई, नहीं दे रहा है भाई, दे दे भाई करीना भाई, फार्मास की स्किन क्या करूँगा भाई, नहीं चाहिए मेरे को, मैं भाई मेरे को पोकर चाहिए, पोकर भाई, पोकर चाहिए मेरे को भाई, पोकर के लिए एक ब्लूप्रिंट भाई। भाई यहाँ पे करीना वाला भाई कुत्ता ही समझ लिया भाई, बस पेट फूड ही दे रहा है भाई, पेट फूड के सिवा भाई यहाँ पे स्टोन चलो इस बार स्टोन दिया हमारा आलू, जो हमारे पास 10 आलू हो गए। तो हो गाइस यहाँ पे फिर से रिचार्ज करने के बाद हम फिर से आए, और इस बार गाइस हमने 600 डायमंड का रिचार्ज किया। तो इस बार गाइस यहाँ पे किस्मत अच्छी रही, तो इस बार यहाँ पे हमारा जो है आलू है वो नहीं ब्लूप्रिंट है जो निकल जाएगा। तो देखते हैं भाई इस बार आलू दिया, यहाँ पे 11 आलू हो चुके हैं हमारे पास, तो 11 में हम 7 और 3 ब्लूप्रिंट का सब्जी बनाएंगे, और उसको सब्जी बनाने के बाद गाइस हम उसको पोकर निकालेंगे। तो क्या है जो क्या बोलते हैं उसमें जो लोहे को गर्म करने के बाद तो अपन कुछ भी सेप दे सकते हैं ना, तो वैसे ही है यहाँ पे मान के चलो, आलू और जो पोकर को मिलाने के बाद हमारा पीली पोकर निकलेगी भाई। यहाँ पे इस बार देखते हैं गाइस यहाँ पे 600 डायमंड का रिचार्ज हमने आखिरी बार किया, और 300 डायमंड हमारे पास बचा हुआ है, और 126 का इस बार भी हमने यहाँ पर स्पिन किया भाई, इस बार देता है कि देखते हैं। इस बार यदि हमको नहीं दिया तो गाइस इस बार फिर इसके बाद हम टॉप अप करेंगे नहीं। ओ भाई मैं बोल ही रहा था गाइस, और यहाँ पे तीसरा, ओ भाई मैं खुशी के बारे में मानना चाहूँ भाई, भाई पोकर भाई, फाइनली पोकर हमारे पास। ओ भाई रॉयल प्लेस भाई, भाई साहब बहुत जल्दी भाई, अब एक्सचेंज करेंगे भाई, 12 टोकन है हमारे पास और 3 ब्लूप्रिंट, तो यहाँ पे पहली फुर्सत में गाइस इसको एक्सचेंज करेंगे भाई, बहुत डायमंड खर्चा करवाया भाई। भाई आप टोटल करते जाओ मैंने कितना का टॉप अप किया गाइस, समथिंग यहाँ पे 2000 रुपये तक का मैंने टॉप अप कर दिया। तो गाइस मैंने उस टाइम में यानी पोकर यानी मेरे मन में बस वही दिख रहा था, नहीं मेरे को पोकर निकालना ही है, पोकर निकालना ही है। लेकिन गाइस मैं आपको एक सजेशन करूँगा गाइस, आप यदि मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले हो तो गाइस मैं आपको यह रिकमेंड नहीं करूँगा आप पोकर निकालो। गाइस क्या है कि जो पोकर है ना
बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे गाइस। इसमें यहाँ पे डायमंड के लिए आपको पैसे होना, और गाइस यहाँ पे जो पोकर इस बार भी आया है, तो गाइस यहाँ पे इस बार भी गाइस बहुत ज़्यादा डायमंड लेने वाला है। और इस बार तो यहाँ पे गाइस उसने यहाँ पे दो दो यहाँ पे जो स्किन है यहाँ पे इस बार अपडेट किया है, एक ब्लू वाली जो है अपने उसमें जो डबल डैमेज प्लस रेट ऑफ फायर प्लस एक्यूरेसी माइनस है गाइस। तो यहाँ पे जो पोकर है अच्छी है, पर यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो तभी निकालो, नहीं तो आप मत निकालो। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल ना भूले। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट में, गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।